स्वागत है आपका गुणारद YouTube चैनल में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शाहजहां और मुमताज की प्रेम कहानी के बारे में। तो दोस्तों, क्या वाकई में शाहजहां और मुमताज की प्रेम कहानी मिसाल देने वाली है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, जो जब भी प्यार की मिसाल दी जाती है तो सबसे पहला नाम आता है शाहजहां और मुमताज का। इन दोनों के प्यार की कस्में खाई जाती है, इन दोनों के प्यार की मिसाल दी जाती है। तो क्या वाकई में इन दोनों का जो प्यार है वो मिसाल देने वाला है, इस बारे में आज हम जानेंगे। तो दोस्तों, इतिहास की अगर मानी जाए तो शाहजहां और मुमताज की कोई प्रेम कहानी नहीं थी। आपको भी सुन के आश्चर्य हुआ होगा, जी हाँ, पर ये बात बिल्कुल सच है। शाहजहां और मुमताज जो हैं, वो उन दोनों की कोई भी प्रेम कहानी नहीं थी। कहा जाता है कि शाहजहां जो हैं, वो काफी ज्यादा औरतों के शौकीन व्यक्ति हुआ करते थे। उनकी 6 बेगम और 8,000 रखैलें थी। तो जब जिस आदमी की इतनी बेगम और इतनी सारी रखैल हो तो वो व्यक्ति किसी से प्यार कर सकता है, ये सोचने वाली बात है। तो जो मुमताज बेगम थी वो शाहजहां की 4th नंबर की बेगम थी। उनसे पहले शाहजहां की 3 और बेगम थी। और कहा जाता है कि जो मुमताज थी वो शाहजहां की सभी बेगमों में सबसे खूबसूरत भी नहीं थी। सबसे खूबसूरत शाहजहां की पहली बेगम को कहा गया है। तो फिर आखिर मुमताज से शादी क्यों की शाहजहां ने? तो देखिए, शाहजहां को जब भी कोई किसी की भी बेगम या फिर बेटी या फिर कहीं भी कोई औरत पसंद आती थी तो शाहजहां या तो उससे जबरदस्ती शादी कर लेता था या तो उसे अपनी रखैल बना लेता था और उसको इसके लिए मजबूर किया जाता था। जी हाँ, इसके बाद जो शाहजहां हैं, उन्होंने जो मुमताज थी वो शाहजहां के सूबेदार शेर खां की पत्नी थी। तो जब शाहजहां ने मुमताज को देखा और मुमताज को अपने से शादी करने के लिए मजबूर यहाँ पे किया, शाहजहां ने मुमताज को हरम किया और मुमताज के जो पहले पति थे उनका भी कत्ल कर दिया। मुमताज के पहले पति से मुमताज को एक बेटा भी था। और शाहजहां ने जब मुमताज से शादी की तो मुमताज से उनके 14 बच्चे हुए। 14वें बच्चे के समय ही जो है मुमताज की मौत हो गई। तो क्या आप मान सकते हैं ऐसा प्यार जिसमें आप देखें तो प्यार इस चीज को कहा जाता है कि आप एक बेगम को प्यार कर रहे हैं, दूसरे बेगम को प्यार कर रहे हैं, इतनी रखैलें रखी हुई है, तो क्या वाकई में इसे प्यार कहा जाता है या इसे किसी जरूरत का नाम दिया जाए तो सही होगा? तो देखिए, जो मुमताज थी वो जब उनकी मौत हुई, जब उनके का 14वें बच्चे का जन्म हुआ, मुमताज काफी कमजोर हो चुकी थी, 14वें बच्चे के जन्म के समय उनकी मृत्यु हो गई थी। तो मुमताज की जैसे ही मृत्यु हुई थी उसके बाद मुमताज की मौत के कुछ ही दिनों बाद शाहजहां ने मुमताज की ही बहन से शादी कर ली थी। जी हाँ, उन्होंने फरजाना जो मुमताज की ही बहन थी उनसे मुमताज के मरने के कुछ ही दिन बाद शादी कर ली। जो व्यक्ति किसी से इतना ज्यादा प्यार करता है तो उनके मरने के तुरंत बाद शादी कैसे कर सकता है, ये एक सोचने वाला विषय है। इसके बाद शाहजहां की अय्याशियों की हद तो तब हो गई जब शाहजहां ने मुमताज से हुई पहली बेटी को ही अपनी रखैल बना लिया। जी हाँ, ये बहुत ही ज्यादा कहा जाए कि शर्मनाक बात है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। शाहजहां वो व्यक्ति था जिसने अपनी ही खुद की बेटी को रखैल बना लिया था। कहा जाता है कि जो मुमताज और शाहजहां की बेटी थी जहां आरा, वो हूबहू दिखने में मुमताज के जैसी दिखती थी, इसलिए शाहजहां ने उसे ही अपनी रखैल बनाकर रख लिया था। और इस बात को उन्होंने सच भी कर दिया था। इस बात के लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर आप किसी वृक्ष को लगाते हैं, उसे पालते पोसते हैं और बड़ा करते हैं तो उस वृक्ष से जो फल आते हैं उसके मालिक आप होते हैं। और सभी मौलानाओं ने, उनके सभी लोगों ने इस बात को
एक्सेप्ट भी किया था, इस बात को उन्होंने सही करार भी दिया था। तो उन्होंने सबसे शर्मनाक चीज जो की थी वो यही थी कि उन्होंने अपनी ही बेटी को एक रखेल की तरह रखा हुआ था, और इसीलिए ही उन्होंने उसकी शादी भी नहीं की थी। उनकी जो बेटी थी जहां आरा, वो किसी व्यक्ति को पसंद करती थी, और जब ये बात शाहजहां को पता चली थी तब उन्होंने उसे तंदूर में जिंदा जलवा दिया था। तो आप सोच सकते हैं जो इतना क्रूर शासक होगा, जो अपनी ही बेटी को रखेल बनाकर रखेगा, और जहां भी उसको लगता है कि उसके प्यार में या फिर उसकी हवस में कोई रोड़ा बन रहा है तो उसे किस तरह से वो रास्ते से हटा देगा। तो क्या वाकई में ऐसा जो व्यक्ति है वो किसी से प्यार कर सकता है? ये एक सोचने वाला विषय है। और जब प्यार की मिसाल दी जाती है तो शाहजहां की मिसाल दी जाती है, लेकिन मैं आप लोगों से एक बात पूछूंगी, आपने दशरथ मांझी का नाम तो जरूर सुना होगा। जी हाँ, वही दशरथ मांझी जिन्होंने पहाड़ को काटकर अपनी बीवी का इलाज तो वो करवा नहीं सके, लेकिन पहाड़ को काटकर उन्होंने रोड बनाई थी। जी हाँ, बिहार के जो दशरथ मांझी थे उनकी बीवी जब बहुत ज्यादा बीमार हुई तो बीमारी के इलाज के लिए उनके गांव से जाने का जो रास्ता था वो नहीं था, बीच में एक पहाड़ आता था जहां अस्पताल हुआ करता था। तो उनके गांव और अस्पताल के बीच जो पहाड़ था, उस पहाड़ की वजह से सही समय पर उनकी जो बीवी है उसे इलाज नहीं मिल पाया था, तो इलाज उनका नहीं हो पाया जिस वजह से उनकी मौत हो गई। लेकिन वो टसक उनके मन में रह गई, वो एक चीज थी जिसकी वजह से उन्हें प्रेरणा मिली और उन्होंने अकेले ही उस पहाड़ को तोड़कर रोड बनाई। तो क्या ये प्यार है या फिर शाहजहां और मुमताज का प्यार है? ये बात सोचने वाली है। आप कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपकी नजर में सच्चा प्यार कौन सा है, जो दशरथ मांझी ने किया था उनकी पत्नी से या फिर शाहजहां ने किया था मुमताज से। ये सोचने वाली बात है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ साथ कमेंट करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगी मैं, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।